हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। दिस इज 9th June एंड मेरा जो व्लॉग एडिटिंग है वो कल रात ही मैं कंप्लीट कर लिया था, अभी जस्ट अपलोड हो रहा है। एंड गला का हाल बहुत ख़राब है क्योंकि कल जो बारिश हुआ ना वेदर ठंडा पड़ गया एंड इसलिए मेरा गला भी बैठ गया। अभी आज क्या क्या काम है वो देखते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर लग जाएंगे काम पे। सुबह से कहाँ था? हाँ, कहाँ था सुबह से? अभी आया, 11 बज गया गाइस, सभी आया। देखो आके खाना खाया। कल का जो जुगाड़ लगाया था ना फोन का, जो कूलिंग फैन है, वो जुगाड़ बहुत सही काम कर रहा है। मेरा मतलब फोन अभी गर्म हो ही नहीं रहा है, मतलब इंडियन जुगाड़ ओपी। गाइस, अभी मेरा कॉलेज का क्लास चल रहा है एंड इसके बाद बहुत सारा काम है वो करना पड़ेगा। ताज़ा ताज़ा मैंगो कट चुका है। ना थैंक यू। गाइस, मैं आप लोगों के साथ मेरा कुछ पिछले महीने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि आप लोग देखिए होगे पिछले ब्लॉग में मैं सुबह छत पे जाके योगा करता हूँ, फिर आके कड़ा पीता हूँ, फिर एक नेचुरल सा डाइट फॉलो करता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ। ऐसे क्यों करता हूँ? इसका तो कोई रीज़न होगा क्योंकि मेरा जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप का कोई भी बंदा ये सब नहीं करता। मैक्सिमम बंदा है ये सब नहीं करता, कोई भी बोलना भूल है, मैक्सिमम जो बंदा है ये सब नहीं करता, कड़ा भी नहीं खाता। क्यों खाए? बहुत कड़वा है वो वाला, कड़वा नहीं तो बहुत तीखा है, नहीं खाएगा। एक्चुअली पिछले महीने का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ख़तरनाक हुआ था मेरे लाइफ में, मेरा बुखार आ गया था। तो शाम को मैं यहाँ पर ही बैठा था, फिर बुखार आया बहुत चोट से, गला बहुत दर्द किया अचानक से। पापा को बोला क्या ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर पापा ने क्या किया, चलो डॉक्टर दिखा के आते हैं। अरे चलो, उस दिन ही मैं डॉक्टर दिखाने निकल गया। डॉक्टर ने बोले कोरोना नहीं है, कोरोना का सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, सिंपल बैक्टीरियल फीवर है, दवाई दे रहा हूँ चला जाएगा, और एक ठो ब्लड टेस्ट भी करने को बोले। मेडिसिन शॉप था तो दवाई वहाँ पर ही ले लिए। फिर घर आया, 5 दिन का दवाई दिया था, 5 दिन कंटिन्यू मेंटेन किया दवाई, एक भी गैप या कुछ भी नहीं किया, ठीक है, पूरा प्रॉपर रूटीन फॉलो करके दवाई लिया। फिर क्या हुआ, अचानक से सांस लेने से छाती के अंदर बहुत दर्द कर रहा था, सांस लेने से। मैं बोला ये तो सीरियस कंडीशन है, तो फिर चलो, फिर पापा लेकर गए। पापा के साथ मैं एक्चुअली गया गाड़ी के पीछे में बैठ के। फिर दूसरे दिन सुबह मैं जाता हूँ क्लिनिक पे एंड वहाँ पे ब्लड देकर जो रिपोर्ट है वो शाम को लेकर आता हूँ। शाम को उस दिन लाने में बहुत देरी हो गया था एंड बारिश भी हो रहा था, सो भीग के मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था। फिर दूसरे दिन सुबह को मैं और पापा गया डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट तो पूरा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला मैं दवाई दे रहा हूँ ये सही है, लेकिन कोविड टेस्ट भी कर लेना, अगर नहीं कमा तो, अगर शरीर नहीं ठीक हुआ तो कोविड टेस्ट मस्ट। ठीक है चलो, फिर मैं घर में आया, घर में इस कमरे में मैं खुद को क्वारंटाइन किया था, यहाँ पर ही खाना खा रहा था। फिर वो जो दवाई दिया था डॉक्टर, वो दवाई करीब 15 डेज का दिया था, मतलब छोट छोट के, एक दवाई था वो 7 दिन का था, एक दवाई था 12 डेज का था, एक दवाई 15 डेज का था, तो ऐसे तरह दवाई था। और 15 डेज आते आते मैं पूरी तरह ठीक हो गया, मतलब थोड़ा सा वीकनेस था, थोड़ा सा मतलब सिर दर्द होता था,
वीकनेस भी होता था, नींद भी आता था, बहुत सोता था तभी उस टाइम में। उस टाइम में ऐसा ऐसा जो कंडीशन है वो कंडीशन मेरा ऊपर से गया। फिर मैं धीरे धीरे क्या किया, छत पे किया, छत पे जाके जो वर्कआउट है वो स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि शरीर बहुत वीक हो गया था। फिर आके काढ़ा भी पीता था। फिर वो जो एक रूटीन हो गया था ना, वो अभी तक मेंटेन हो ही जा रहा है, लेकिन बीच बीच में मतलब दिक्कत होता है बहुत, क्योंकि कभी कभी बहुत गर्मी रहता है, कभी कभी बारिश हो जाता है रात को। आप देखा ही पिछले ब्लॉग में इतना बारिश हुआ रात को, कारण नहीं था, 3 बजे तक पूरा जागना पड़ा मुझे, तो वही बात कभी कभी हो जाता है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ ये रूटीन फॉलो करने, मिनिमम सुबह को 1 घंटा देना चाहिए। एक्चुअली दवाई तो है ही, दवाई तो हम लोग को सपोर्ट में है, लेकिन उससे भी पहले खुद का जो शरीर है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्रूट्स वगैरह अभी लेता हूँ, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सब ओके है। लगभग 15-16 दिन से एकदम ठीक है। जो दवाई है वो भी 15-16 दिन पहले ख़त्म हो गया है, एंड कभी टेस्ट नहीं करवाना पड़ा फिलहाल तो। अगर मतलब शरीर नहीं देता, नहीं ठीक होता, तो फिर कभी टेस्ट करके डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ता, एंड क्या होता कुछ भी पता नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज का व्लॉग में कुछ दिन भर उतना कुछ नहीं किया, कुछ क्लास अटेंड किया कॉलेज का, एंड खुद का प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में भी थोड़ा सा काम किया। क्या प्रोजेक्ट है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऑब्वियसली बताऊँगा, थोड़ा सा प्रोग्रेस भी करूँगा। क्या चीज़ बनाने जा रहा हूँ, वो बड़ा धमाका क्या होने जा रहा है वो भी बोलूँगा मैं। सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट। Not today, just